हाय हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्पाइसी प्लेटर कुकिंग चैनल में मैं किंजल जोशी एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम सूरत का स्पेशल कोल्ड कोको की रेसिपी बनाने वाले हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने 1 लीटर दूध लिया हुआ है। ये फुल क्रीम मिल्क है दोस्तों, तो इसे हम बॉईल होने देंगे धीरे धीरे। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, फुल आंच पर हमें नहीं करना है इसे कुक। एक बाउल के अंदर मैंने ये 3 बड़े चम्मच कोको पाउडर लिया हुआ है। आप कोई भी ब्रांड का कोको पाउडर ले सकते हो दोस्तों। अब इसके अंदर हम धीरे धीरे ठंडा दूध ऐड करते जाएंगे और इसकी एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे। इस पेस्ट में लम्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, तो आप अच्छी तरह से दूध को ऐड करते जाइए और इस तरह की स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। आप देख सकते हो कि हमारा दूध हल्का सा गर्म हो चुका है। इसे बॉईल होने से पहले इस पेस्ट को हमें ऐड करना है, तो मैंने ये पेस्ट को ऐड कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसे इसके अंदर मिक्स कर लेना है। धीरे धीरे ये सारे लम्स मिक्स हो जाएंगे। अब मैंने तकरीबन 9 से 10 चम्मच जितनी शुगर ली हुई है। आप मीठा अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो, और एक बार चीनी पिघलने के बाद आप टेस्ट कर कर भी देख सकते हो। अगर और चीनी की ज़रूरत है तो ऐड कर सकते हो। अब मैंने एक बाउल के अंदर ये कस्टर्ड पाउडर लिया हुआ है 1 चम्मच, और अब मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ कॉर्नफ्लोर। 2 चम्मच जितना हम कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसके अंदर दूध ऐड करते करते इसकी भी एक अच्छी सी पेस्ट बना लेंगे। दोस्तों, कॉर्नफ्लोर का टेस्ट हल्का सा फीका होता है, इसके अंदर टेस्ट नहीं होता है। तो हम इसके अंदर अब ऐड करेंगे वेनिला फ्लेवर का एसेंस। हमें 1 चम्मच वेनिला एसेंस लेना है। आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो मैंने ये वेनिला एसेंस ले लिया है। मैं 1 चम्मच जितना, मतलब छोटी चम्मच जितना हम इसके अंदर वेनिला एसेंस ले लेंगे, ताकि इसका टेस्ट और भी बढ़िया आए। इसे मिक्स कर लेंगे। मिल्क हमारा बॉयल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर चॉको चिप्स ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा बाउल जितना। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड ना भी करना चाहो तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन चॉकलेट के कारण इसका टेस्ट बढ़िया आता है। दोस्तों, आप देख सकते हो कि तकरीबन 7 से 8 मिनट बॉयल होने के बाद हमारे मिल्क का कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, और ऑलमोस्ट हमारे सारे जो लम्स थे वो भी अब मेल्ट हो चुके हैं हमारे मिल्क के अंदर। ये देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा मिल्क बना है हमारा। अब मैं इसके अंदर हमने जो स्लरी बना के रखी थी कॉर्नफ्लोर की, इसे हम ऐड कर देंगे और एक बार बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्लरी डालने के बाद हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है। ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मिक्स होने के बाद ये हल्का सा गाढ़ा होते जाएगा। सूरती कोल्ड कोको बनकर अब रेडी हो चुका है, तो हम इसकी गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पर आने तक हमें इसे ठंडा करना है, और फिर हम इसको फ्रीज में रखेंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। अगर आपको इंस्टेंट ठंडा करना हो तो आप आधे घंटे के लिए इसको फ्रीज़र में भी रख सकते हो, ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि कितना बढ़िया बना है हमारा कोल्ड कोको। आप इस रेसिपी को स्टोर कर कर फ्रिज में भी रख सकते हो। कभी भी गेस्ट आए तो आप इसे इंस्टेंटली सर्व भी कर सकते हो। गर्मियों के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है ये। तो आइए फ्रीज करें। 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद ये देखिए, हमारा कोल्ड कोको अब बनकर बिल्कुल रेडी है सर्विंग के लिए। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, कितना क्रीमी दिख रहा है और बहुत ही स्मूथ सा बना है। खाने में भी ये इतना ही टेस्टी है दोस्तों, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना। सर्विंग के लिए मैंने ये कांच के 2 ग्लास ले लिए हैं। अब इसके अंदर मैं जो हमारा चॉकलेट सिरप आता है, इसे हल्का सा डेकोरेट करूंगी। इसकी चारों तरफ अंदर की साइड से हमें इसे इस तरह से लगा लेना है। ये देखिए, मैंने 1 ग्लास रेडी कर दिया है। इसी तरह दूसरा भी रेडी कर लेंगे। अब हमारे कोल्ड कोको को सर्व करते हैं।
तो मैंने ग्लास के अंदर इसे फील कर दिया है। ये देखिए, देखकर ही पीने का मन कर जाएगा। फाइनली मैं इसे चोको चिप्स के साथ डेकोरेट कर रही हूँ और ऊपर से मैं हल्के से जो कलर बॉल्स आते हैं इसे स्प्रेड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है। तो रेडी है हमारा कोल्ड कोको पीने के लिए। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि मेरी आज की रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।